ओके दोस्तों, तो हम लोग का मोनोहैलाइड्स जो है वो खत्म हो गया था। अब हम लोग जो है वो यहां पर करने वाले हैं पॉलीहैलाइड्स। तो सबसे पहले जो पॉलीहैलाइड के बारे में बात करेंगे, दैट इज द डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स में मेन हम लोग का दिलचस्पी दो चीज पर है, एक है हमारा विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले एकदम आसान वाला देखते हैं, दैट इज द विसिनल डाइहैलाइड। सो विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, हमारे पास होता है आर, चलो यहां पे कुछ लिखता नहीं हूं, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स, दिस इज कॉल्ड द विसिनल डाइहैलाइड। यानी बाजू बाजू वाले दोनों कार्बन पर हमारे पास एक एक हैलोजन एटम जो है वो हमारा होने वाला है, तो उसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। नोट, ड्यू टू वेरी हाई साइज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू आयोडीन, एक्स जो है वो हमारा आयोडीन जो है वो एटम नहीं हो सकता है, बाकी यहां पर कोई भी हैलोजन विसिनल पोजिशन पर आ सकता है, ठीक है। सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन। अच्छा, एल्कीन पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर मान लो हमारे पास है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मान लो सिंपली इस पर एक काम करो, डाल दो बी आर टू इन सी सी एल फोर। तो मैकेनिज्म हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, यहां पर बी आर बी आर द फॉर्मेशन ऑफ द थ्री मेंबर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, एंड नाउ इसका ओपनिंग तो क्या बन जाएगा, आर सी एच बी आर फ्रॉम एल्कीन, हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा जो है, अच्छा ये वाला एडिशन ध्यान देना, दैट इज द एंटी एडिशन। अगर मुझे सिन के तरीके से ऐड करना है तो इन दैट केस में क्या करूंगा, अगर मैं सिन के तरीके से ऐड करना है तो क्या करूंगा, ये भी फ्रॉम एल्कीन ही है, सबसे पहले आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इस पर डाल दो ओ एस ओ फोर और बेयर्स रिएजेंट, एंड उसके बाद कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच, और फिर यहां पर डाल दो एसओ सी एल टू या एसओ बी आर टू, एस एन आई मैकेनिज्म सी एल। तो एडिशन बाय दिस मैकेनिज्म इज ऑलवेज द सिन मैकेनिज्म। क्या हो रहा था वहां पर,
जो R CH डबल बॉन्ड CH2 था वहां पर आ रहा था OSO4। एंड यहां पर पाई बॉन्ड यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड का यहां पर ब्रेकिंग, इसका यहां पर अटैक और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा था साइक्लिक इंटरमीडिएट RCH CH2। एंड देन इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा था। तो क्या बन जा रहा था, OH। एंड नाउ उस पर क्या डाल दो, उस पर डाल दो SOCl2 और ये दोनों OH को वो उसी साइड से रिप्लेस करेगा वाया SNI मैकेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ RCHCl CH2Cl। यानी इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में अगर हम ढंग से देखें अगर मैं इस पर डालता हूं Br2 एंड देन CCl4 तो हमारे पास जो बनेगा दोनों Br हमारे पास ट्रांस में होंगे आपस में, ये वाला Br और ये वाला Br, ये 50% होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये वाला भी 50% होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे सिस वाला बनाना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, OSO4 डाल के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वेज बनाओ या डैश बनाओ फर्क नहीं पड़ता है। एंड फिर इस पर डाल दो SOBr2 तो जहां पर हमारा OH था वहीं पर हमारा Br जो है वो लग जाएगा। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, राइट। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, द रिएक्शंस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। रिएक्शंस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, सो क्या क्या रिएक्शंस है। सबसे पहला, इट गिव्स ऑल रिएक्शन ऑफ नॉर्मल मोनोहैलाइड्स, इट गिव्स ऑल रिएक्शन ऑफ नॉर्मल मोनोहैलाइड्स। यानी मोनोहैलाइड्स का जो जो रिएक्शंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमारा विसिनल डाइहैलाइड भी डेफिनेटली देता है। मतलब व्हाट यू मीन टू से इज, जो अगर मान लो हमारे पास है XX, इस पर अगर हम एक्वस KOH डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नॉर्मल CH2OH। अगर इस पर मैं डाल देता हूं
NaCN अल्कोहलिक एक्सेस में डाल दो तो बन जाएगा CH2CN CH2CN। अगर इस पर तुम्हारा मान लो डाल देते हो तुम AgCN तो बन जाएगा CH2NC CH2NC। और इस पर अगर डाल देते हो मान लो क्या डाला जाए, कुछ भी डाल सकते हो ऐसे, चलो ये डाल दो AgF हीट CH2F। तो नॉर्मल मोनोहैलाइड्स का जितने भी रिएक्शन है वो सारे के सारे हमारा विसिनल डाइहैलाइड देता ही है, इस पर कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारा नहीं है। अच्छा दूसरा जो है रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइआयोडो, अगर विसिनल डाइआयोडो है तो इन दैट केस हमारा क्या रिएक्शन होने वाला है वो चीज ध्यान दो। मेन फंडा ये है ड्यू टू हाई साइज विसिनल डाइआयोडो कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। जो विसिनल डाइआयोडो कंपाउंड्स है वो बहुत ही ज्यादा हमारा अनस्टेबल होता है। और ये इंस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, जब ये दो आयोडीन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करने जाएगा तो रोटेशन उसको भयंकर तरीके से हिंडर्ड होगा, तो दो आयोडीन निरंतर आपस में टकराएगा और इस कारण पे व्हाट हैपेंस इज CH2 ये पड़े पड़े CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2 पर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑकर्स वाया E2, hence always anti, हमेशा anti elimination ही हमें इस तरीके से मिलने वाला है। So मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला compound है II CH3 ET ET। तो क्या होगा यहां पर, सबसे पहले इसका न्यूमैन ड्रॉ करो। सो यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा I, यहां पर आ जाएगा ET एंड यहां पर भी हमारा करस्पॉन्डिंगली I आ जाएगा, देन CH3 आ जाएगा, देन ET आ जाएगा। नाउ उसके बाद क्या है, इसको रोटेट करो, ये I यहां पर ET यहां पर CH3
और पीछे की ओर अगर हम देखें तो नीचे आई, यहां पे अगर नीचे आई आ जाएगा तो लेफ्ट पे आएगा ईटी, तो यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री। और अब अगर मैं इन दोनों आई को एलिमिनेट करूंगा तो साफ साफ तुम देख सकते हो सी एच थ्री और ईटी एक साइड में, सी एच थ्री और ईटी एक साइड में, तो माइनस आई टू अगर हम करेंगे तो सी एच थ्री ई टी सो वी आर गोइंग टू गेट ट्रांस एल्कीन लाइक दिस राइट। अच्छा बट ये वाला कंपाउंड बनेगा ही कैसे फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि आई टू का डायरेक्ट एडिशन तो हम करवाते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हम सबसे पहले ये वाला कंपाउंड लेंगे ईटी ईटी सी एच थ्री बी आर बी आर एंड इस पर हम डाल देंगे एन ए आई। तो इन दोनों पोजिशन पे हमारा एस एन टू होगा तो इन्वर्जन मिलेगा, तो I जो है वो मेरा इस तरीके से लग जाएगा और वो वाला इनिशियल कंपाउंड जो है वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा तो प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म जो है वो हमारा एंटी है, बट एलिमिनेशन ऑफ I2 कैन बी via sin also but at a much slower rate. तो sin elimination जो है वो भी हमारा possible है, उसका actual mechanism अगर हम देखें तो sin elimination definitely iodine का होता तो है, मान लो सेम साइट पर गलती से आयोडीन लग गया तो ये है मेरा आयोडीन, ये है मेरा आयोडीन, ये एक्सट्रीमली बल्की साइज का होने के कारण इन दोनों का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हमारा ओवरलैप करेगा, तो यहां पर दोनों आयोडीन के बीच में ओवरलैप मिल जाएगा और जैसे ही ओवरलैप मिलेगा so I2 will get eliminated and alkene will get formed. तो विसिनल डाइआयडो हाईली अनस्टेबल है और इस कारण पे हमें इस प्रकार से वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, यानी वो डायरेक्ट एल्कीन पर कन्वर्ट हो जाता है। विसिनल डाइआयडो को आइसोलेट करना संभव ही नहीं है। तो अगर मेन एंटी एलिमिनेशन है लेकिन अगर सिन पर है तो धीरे 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 I2 का लिब्रेशन होगा, एंटी जितना फास्ट नहीं है लेकिन होगा तो सही। ओके ओके नाउ वी मूव ऑन टू द एलिमिनेशन विद अल्कोहलिक KOH। अच्छा अगर मान लो मैं कंपाउंड ले लेता हूं उससे सब कुछ समझाना पॉसिबल होगा। CH3CHCl CH2Cl यहां पर अगर मैं करता हूं अल्कोहलिक KOH सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। नाउ अल्कोहलिक KOH जो है वो हमारा क्या देता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है, ये हमें डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन जाए, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन जाए। ना यहां पर जो मेरा है सी एच थ्री डेफिनेटली एक प्लस आई ग्रुप है, तो उसके कारण ये वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस कम होगा
और ये वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो ये जो ब्लैक वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। सो CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर, और CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर। ये एक मेजर है और दूसरा ये हमारा माइनर है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें ढंग से समझने की जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, जो मान लो मेरे पास है CH3CHF CH2Cl, तो फ्लोरीन का माइनस आई के कारण अब ये वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो इस वाले पे अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालता हूं तो ये H और Cl जो है वो मेरा एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CHF डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा एक ध्यान देना, अल्कोहलिक KOH कैन नॉट एक्ट ऑन विनाइलिक हैलाइड, अल्कोहलिक KOH कैन नॉट एक्ट ऑन द विनाइलिक हैलाइड, सो एलिमिनेशन विल स्टॉप आफ्टर 1 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो एक बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद ये रिएक्शन होना जो है वो हमारा बंद हो जाएगा। फॉर सेकेंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वी हैव टू स्ट्रॉन्गली हीट इन अ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। यानी अब जब ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बना CH डबल बॉन्ड CHCl, इस पर अगर मैंने अल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया, स्ट्रॉन्गली हीट किया, तब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन हमारा एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तब हमारा ये वाला एल्कीन बनेगा, अदरवाइज से एल्काइन बनेगा। वरना नॉर्मल कंडीशन पे अगर दिया हुआ है तो एक ही बार हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेट करना है, उसके आगे हमें नहीं कर पाएंगे। अच्छा फॉर कंप्लीट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एट अ रूम टेम्परेचर वी हैव टू यूज a stronger base। example हम जो use करते हैं
दैट इज NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया. NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो क्या होगा यहां पर? सो CH3CHCl CH2Cl ये अगर मेरे पास है और इस पर मैं डाल देता हूं NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो पहले स्टेप में एक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, बट ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये फर्दर ये वाला H और Cl को उड़ाएगा, यानी फर्दर रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट करेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH. अच्छा यहां पे जाके रोक मत देना, द रीजन बिंग ये टर्मिनल एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन हम जानते हैं जो हाईली एसिडिक होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन को NH2- आके डेफिनेटली स्नैच करेगा और प्रोडक्ट जो बनाएगा दैट विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+. और अगर तुम्हें एल्काइन चाहिए यहां पे तुम्हें मिलेगा एंड फिर इस पर H+ वाटर डाल दो. नॉर्मल वाटर डालोगे तो भी चलेगा, H+ की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर डाल दो तो भी काम निकल जाएगा. इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इस तरीके से हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अच्छा नाउ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट जो देखना है दैट इज द डिहैलोजिनेशन रिएक्शन. अच्छा डिहैलोजिनेशन रिएक्शन कौन देता है? डन बाय मेटल्स प्लस हीट. एग्जाम्पल जिंक डस्ट मैग्नीशियम एक्सेट्रा. सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जिंक डस्ट, उसके बारे में एक बार देख लो. तो हमारे पास क्या है? CH3 CHCl. इसको मैंने हीट करता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जिंक डस्ट के साथ हीट करने पर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अच्छा व्हाट इज द मैकेनिज्म? जिंक सबसे पहले Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है एंड देन ये इलेक्ट्रॉन जाके सबसे पहले ये वाला बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ते हुए बनाता है CH3 CHCl CH2 डॉट और इसी पर और एक इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है तो CH3 CHCl. यहां पर -ZnCl+, यानी यहां पर एक तरीके से पार्शियल बॉन्ड जो है वो हमारा होता है एंड ड्यू टू द हीटिंग
ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड बट एट अ मच स्लोअर रेट। सिन एलिमिनेशन हम ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर उसको ऑब्जर्व हम करते हैं। प्रोबेबली रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सिन एलिमिनेशन थोड़ा बहुत मिलता है बट द मेजर मैकेनिज्म इज ऑलवेज एंटी। सो दोस्तों, अगर मान लो हमारे पास है ClCl HH MeMe और इस पर हम जिंक डस्ट डाल के हीट कर दे, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक क्लोरीन को उठा लो और वहां पर हमारे पास बन जाएगा कार्बन आयन। ये एम ई हो गया, ये एच हो गया, ये एम ई है, ये एच है, ये सी एल है, यहां पर माइनस जेड एन सी एल प्लस बनेगा। सो इसका अगर मैं थोड़ा न्यूमन बना के देखूं तो यहां पर एम ई है, यहां पर एच है, यहां पर Cl है और Cl के जस्ट पीछे जो है पार्शियल बॉन्ड के साथ है हमारा Zn, पार्शियल बॉन्ड के साथ हमारा जो है क्या है ZnCl प्लस एंड यही पर है हमारा Me, यहीं पर है हमारा H एंड इसको ढंग से ड्रॉ कर दो। ऊपर Cl, यहां पर Me, यहां पर H, पार्शियल बॉन्ड के साथ ZnCl प्लस और ये अगर नीचे आया है तो Me ऑन द राइट। और अब इसका बना लो सोहोर्स, यहां पर माइनस और यहां पर विच पर एच, यहां पर एमी और यहां पर अगर हम देखें विच पर एमी, यहां पर एच एंड प्रोडक्ट जो बन जाएगा हमारे पास ये माइनस का यहां पर जंप सीएल माइनस जो है वो हमारा लीव कर जाएगा एंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन सी डबल बॉन्ड सी MeH, MeH. So the trans is going to be the major product. So दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो देख लो। यहां पर Br, यहां पर Br, ठीक है, इस पे सबसे पहले मैंने डाला अल्कोहलिक KOH,
एक्सेस में डाला और उसके बाद जिंक डस्ट के साथ हीट डाला, तो दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। अच्छा, अब गौर से ध्यान दो एक चीज, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर और यहां पर जो है वो हमारा लाई करता है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये वाला बीआर के रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हमारा वेज पर है, तो ये दोनों आपस में सिन पर बैठ गया और यहां पर भी ये एच और ये वाला बीआर जो है वो हमारा सिन पर बैठ गया, तो यहां पर ये वाले पोजीशन पर तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेजरली यहां पर E2 के थ्रू हमारा प्रोसीड करेगा। एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व इसके ये वाले साइड पर भी, तो नाउ इफ यू रियलाइज ये वाला H और ये वाला Br, ये दोनों हमारा आपस में एंटीपोजिशन पर बैठा हुआ है, एंड सिमिलरली अगर हम ध्यान दें यहां पर भी तो यहां पर भी ये वाला H और ये वाला Br, ये दोनों हमारा आपस में एंटीपोजिशन पर बैठा हुआ है, तो ये HBr एलिमिनेट होगा और ये HBr एलिमिनेट होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पर वो ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड बनने वाला है, दैट वी हैव टू सी। अच्छा, लेकिन ये दोनों Br आपस में ट्रांसफर है, तो दोनों में से किसी एक पर माइनस बना दो, तो यहां पर बहुत सिंपल है, Zn Br प्लस माइनस डैश के साथ Br है, तो ये वाला लोन पेयर यहां पे कूदेगा और ये वाला Br बाहर हो जाएगा और यहां पर डी हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो काफी आसानी के साथ हमें मिलने वाली है। सो दोस्तों, विसिनल डाइहैलाइड पे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं, दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ओके ओके, सो आफ्टर विसिनल डाइहैलाइड हम देखेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन। सो किसके थ्रू होगा, फ्रॉम अल्काइन। इसके रिएक्शन हम लोगों ने देखे थे, जो अगर मान लो तुम्हारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर अगर मैं डाल देता हूं HBr, दो मोल, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3C Br Br CH3, एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस पर डाल देता हूं HBr प्लस H2O2, दो मोल, तो प्रोडक्ट में हमें बन जाएगा CH3CH2CHBr2। तो फ्रॉम अल्काइन हम इस तरीके से जो है हम लोग जेम डाइहैलाइड बना सकते हैं। नाउ दूसरा, फ्रॉम
एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। तो क्या होता है इस पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसको अगर हम करते हैं पीसीएल फाइव के साथ हीट, तो प्रोडक्ट बन जाता है सीएलसीएल प्लस साथ में बन जाएगा पीओसीएल थ्री। तो कैसे होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले फास्फोरस पर अटैक, तो क्या हो जाएगा आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ प्लस पी सी एल फोर एंड नाउ सी एल माइनस लीव्स तो क्या बन जाएगा आर सी आर डैश सी एल ओ पी सी एल फोर। नाउ ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग विथ फॉस्फोरस गिव्स मी आर सी आर डैश सी एल ओ डबल बॉन्ड ओ पे प्लस और यहां पर हमारा सीएल। नाउ वापस सीएल माइनस लीव्स इसका अटैक, तो हमारे पास बन गया प्रोडक्ट आर सी आर डैश सीएल सीएल प्लस पीओसीएल थ्री। तो ये दो तरीके से हम लोग जेम डाइहैलाइड जो है वो हम बना सकते हैं। सो अब हम देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शंस। सो क्या है, सबसे पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर मान लो हमारे पास है आर सी आर डैश एक्स एक्स, यहां पर मैं डाल देता हूं एक्वस KOH. So what is going to be the product? Now, सबसे पहला स्टेप में एक OH माइनस आएगा और ये जाके यहां पर टकराएगा और ये एक X जो है वो हमारा लीव करेगा और लीव करते हुए जो प्रोडक्ट देगा वो देगा आर सी आर डैश एक्स OH. Now, OH माइनस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हाइड्रोजन ये वाले को स्नैच करेगा और स्नैच करके बनाएगा आर सी आर डैश एक्स ओ माइनस। नाउ ओ माइनस यहां पर जंप करेगा एक्स माइनस लीव करेगा तो आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ। सो ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस हमें हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो हमें यहां पर मिलता है, राइट right. अच्छा दूसरा रिएक्शन विथ द केसीएन।
रिएक्शन विद के सी एन। तो आर सी आर डैश एक्स एक्स, तो यहां पर सी एन माइनस, ये यहां पर अटैक एक्स माइनस लीव्स, तो बन जाएगा आर सी आर डैश, यहां पर एक्स, यहां पर सी एन, एंड यहां पर क्या है सी एन माइनस लीव्स, तो क्या बन जाएगा आर सी सी एन सी एन। अच्छा, इसके आगे का रिएक्शन फिलहाल के लिए थोड़ा मान लो, फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। इस पर अगर मैं करता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक, सो दिस इज जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज हाईली अनस्टेबल, जिसको मैं अगर हीट कर दूंगा तो तुरंत एक CO2 रिलीज होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एच आर डैश सी डबल ओ एच। हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर दो तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां पर मिल जाएगा। नाउ थर्ड, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होगा, ध्यान दो, जो अगर मान लो अगर इसमें क्या है कंटेंस एट लीस्ट टू बीटा हाइड्रोजन, कंटेंस एट लीस्ट टू बीटा हाइड्रोजन। सो यहां पर क्या है हमारे पास, ध्यान देना, जो अगर मान लो मेरे पास है सी एच थ्री सी एच टू सी एच एक्स एक्स, तो अल्कोहलिक क्यूओएच के साथ हीट कर देने पर, पहले तो हम जानते हैं एक ही हमारा एलिमिनेट होगा और बनेगा सी एच थ्री सी एच। इसके आगे नॉर्मल कंडीशन पर अल्कोहलिक क्यूओएच नहीं काम कर पाएगा, अब एक पॉसिबिलिटी वही बनता है जो अल्कोहलिक क्यूओएच के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हीट करो तो हमारे पास इन दैट केस अगला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और इस तरीके से हमारे पास अल्काइन बन जाएगा। अच्छा, अगर इस पर मैं डायरेक्टली NaNH2 डाल दूं तो फिर ये दोनों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा और बन जाएगा CH3C-Na+, जिस पर वाटर डाल दो तो भी हमारा अल्काइन जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स सी, हमारे पास है CH3C XX CH2 CH3, इस पर अगर मैं अल्कोहलिक क्यूओएच डालूंगा तो इन दैट केस प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। नाउ ऑब्वियस बात है मोर एसिडिक हाइड्रो
क्या देखना है यहां पर हमें, देखो अगर X जो है वो हमारा क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है तो हमारे लिए ट्रांजिशन स्टेप का स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यानी बेसिकली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फ्लोरीन तो भूल जाओ, वहां पे मुश्किल से एलिमिनेट होगा। तो यहां पर भले ही मोर एसिडिक हाइड्रोजन है बट यहां पर जो है ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कोहलिक KOH डालने पर CH3CX डबल बॉन्ड CHCH3 दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर प्लस CH2 डबल बॉन्ड CX CH2CH3 दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर। ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बन जाएगा। ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। अगर दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है तो इन दैट केस ये होगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जो मान लो हमारे पास है CH सबसे पहले इस पर क्या डाला मैंने, इस पर मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, इस पर मैं सबसे पहले डाला जो अल्कोहलिक KOH, नॉर्मल कंडीशन पे डालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट होके और अब मान लो मैं इस पर डाल देता हूं NaNH2, प्लस लिक्विड अमोनिया, तब इधर से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होकर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज एन एलीन। तो NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ इस तरीके से हम एलीन जो है वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डीहैलोजिनेशन, रिएक्शन डीहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो। जो अगर मान लो हमारे पास है RCXX R डैश और इस पर हम करते हैं जिंक डस्ट और हीट, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज RC R डैश डबल बॉन्ड, सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। चलो R डैश खत्म कर दो, मतलब सिस ट्रांस का कोई यहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, इसमें दो थियोरीज है, ध्यान दो क्या है। पहला थियोरी तो ये कहता है, जो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियस, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा तो बनेगा RCX R डॉट एंड वापस एक इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा RCR माइनस Zn(X+) एक पार्शियल बॉन्ड। यहां पर थ्योरी ये है, पहला जो RCR जो माइनस है, ये दूसरा वाला RCR XX पर पहले अटैक करता है
और x माइनस जो है वो हमारा लीव करता है, और लीव करके सबसे पहले बनता है आर सी आर आर एक्स एक्स। ये बन गया हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, एंड विसिनल डाइहैलाइड वापस जिंक डस्ट और हीट के प्रेजेंस में बन जाएगा दूसरा। लोगों का ये कहना है जो ऐसा नहीं होता है। What happens is जो आर सी आर एक्स माइनस जैसे ही बनता है, ये वाला चीज जैसे ही बनता है, तो सबसे पहले यहां से एलिमिनेट हो जाता है एक्स माइनस विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ठीक है, और फिर जो है वो कार्बिन दो आपस में एडिशन रिएक्शन देता है, यानी ये वाला बॉन्ड का ये वाला लोन पेयर का इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक, इसका इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक, तो प्रोडक्ट बन जाता है डबल बॉन्ड आर आर। ये ऊपर वाला जो है दिस इज द मेजर मैकेनिज्म, बट थोड़ा बहुत कार्बिन मैकेनिज्म भी साइमल्टेनियसली चल ही रहा होता है। सो दीज आर ऑल द केमिकल रिएक्शंस रिगार्डिंग जेम डाइहैलाइड। सो नाउ डाइहैलाइड हमारा समाप्त हो गया है, अब हम थोड़ा सा ट्राइहैलाइड के रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करते हैं। लेट्स सी।